यहाँ पे हम बना रहे हैं मसाला ब्रेड। तो ब्रेड को मैंने कट कर लिया है पीसेस में, टुकड़ों में, और मैंने ले लिया है गोभी, प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। तो अभी हम ऑयल में इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल को मैंने कर दिया मिक्स। अभी हम इसमें मसाले डालते हैं। तो ये नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ब्रेड आपके पास बच गई है, फ्रिज में पड़ी है और 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, कोई खा नहीं रहा है, तो ये ऐसे आप नाश्ता बनाइए तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मसाला ब्रेड। तो ये सब वेजिटेबल मैंने डाल दिए और सौते हो गए अच्छे से। इसमें हम डालते हैं टमाटो केचप, नमक टू टेस्ट, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये चिली पेस्ट जो मैंने चाइनीज रेसिपी के लिए बनाई है स्पेशल। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं ये चिली पेस्ट और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। वाओ क्या कलर आया था, बहुत ही बढ़िया। आप चिली पेस्ट के बदले चिली सॉस भी डाल सकते हो या फिर शेजवान चटनी भी डाल सकते हो इसमें, तो भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें डाल देते हैं हम ब्रेड जो हमने कट किए हैं टुकड़े, इसको हम मिक्स कर देते हैं। अभी हम हाथ में ऐसे थोड़ा पानी लेके इस पर थोड़ा डाल देंगे ताकि हमारी ब्रेड अगर सूखी है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये मसाला उसके ऊपर लग जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा एक नाश्ता रेडी हो गया शाम के लिए। तो गाइस ये देखिए हमारी मसाला ब्रेड रेडी हो गई है। अभी ऊपर से हम थोड़ी डाल देंगे कोथमीर। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक नाश्ता बनके रेडी हो गया है गर्मा गर्म। आप इसे खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में।